गुड मॉर्निंग एवरीवन हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 16 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ओवरव्यू फॉरेन एक्सचेंज जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में भी किया फेमा का जो चैप्टर था कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी से जब आप एक कंट्री की जो करेंसी है उसे एक्सचेंज करते हो दूसरी कंट्री की करेंसी से तो दैट इज नोन एज फॉरन एक्सचेंज तो वो मार्केट जहां पे फॉरन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन है कैरी आउट होती हैं थ्रू डिफरेंट मींस उसे हम फॉरन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं जब हम नॉर्मल बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज टर्म की तो दो चीजें निकल के आती है एक तो फॉरेन करेंसी और दूसरा एक्सचेंज रेट कि अगर एक करेंसी है उसके बदले में हमें दूसरी करेंसी की कितनी यूनिट्स देनी पड़ेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी और वो करेंसी है दूसरी कंट्री की फॉर एग्जाम्पल रबल एक्सेट्रा ये फॉरेन करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इंडिया के लिए ये फॉरेन करेंसी जो है वो ट्रेड की जाएंगी रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है रेट जो जिस पे जो एक यूनिट है करेंसी की एक कंट्री की उसे आप एक्सचेंज कर रहे हो जो दूसरी कंट्री की करेंसी है उसके यूनिट के साथ तो इकोनॉमिक्स में अगर हम कहें तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है टर्म फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू जो सिटीजन्स है डिफरेंट कंट्रीज के वो पेमेंट करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट करेंसीज में तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है यूज किया जाता है उस सिस्टम के लिए टर्म जहां पर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो बाय और सेल करती है करेंसीज एक दूसरे की कंट्री की जो नेशनल करेंसीज है डिफरेंट कंट्रीज की वो ट्रेड की जाती हैं फॉरेन एक्सचेंज या जिसे हम शॉर्ट में फॉरेक्स भी कहते हैं मार्केट में और दो मेथड्स हैं डिटरमाइन करने के एक्सचेंज रेट एक है हमारे पास फिक्सड रेट ऑफ एक्सचेंज और एक है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में नेक्स्ट आगे जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे वहां पे पहले क्या होता था जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो था रेट 1973 में आईएमएफ ने डिसकंटिन्यू कर दिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसने टुक ओवर किया सिस्टम डिटरमाइन uh, करने का कि क्या रेट प्रिवेल करेगा मार्केट में डिफरेंट करेंसीज का तो ओवर इयर्स जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इमर्ज हुई है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स स्प्रेड ओवर द होल वर्ल्ड जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो पार्ट है मनी मार्केट का जहाँ पर जो फॉरेन करेंसीज हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है वाइड वैरायटी ऑफ डीलर्स एग्जिस्ट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में मेन पार्टिसिपेंट्स जो हैं फॉरेक्स मार्केट के वो हैं सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्टेंस हाउसेस ब्रोकरूलेटर्स इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स एक्सेट्रा जो फॉरेक्स मार्केट है वो असिस्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को इन्वेस्टमेंट को करेंसी कन्वर्शन की फैसिलिटी देके तो जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें जो पार्टिसिपेंट है वो परचेज करते हैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी को पे करके और इस मार्केट को फॉरेक्स भी कहा जाता है या एफएक्स भी कहा जाता है या करेंसी मार्केट भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड की इसकी कोई एक सेंट्रल नहीं होती है एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए जो भी इसमें ट्रेडिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज में वो थ्रू बैंक्स ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स ब्रोकर्स इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट होती हैं जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं फॉरेक्स मार्केट में उसमें इन्वॉल्व होती है बाइंग एक करेंसी की और सेलिंग दूसरी करेंसी की साइमल्टेनियसली इसीलिए जो यहाँ पर वैल्यू है एक करेंसी की वो डिटरमाइन होती है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अनादर करेंसी तो जो दो करेंसी जो है वो इकट्ठे जब आप करते हो तो उसे करेंसी पेयर कहा जाता है फर्स्ट करेंसी जो होती है करेंसी पेयर में उसे बेस करेंसी कहा जाता है और जो सेकंड करेंसी होती है करेंसी पेयर में उसे काउंटर करेंसी कहा जाता है तो जो करेंसी पेयर है वो डिस्क्राइब करता है कि कितनी काउंटर करेंसी जो है आपको जरूरत है उसकी परचेज करने के लिए एक यूनिट बेस करेंसी की फॉर एग्जाम्पल वन डॉलर इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव रुपीज़ यहाँ पे जो डॉलर है वो बेस करेंसी है और जो रुपीज़ है वो काउंटर करेंसी है तो ये जो पेयर है करेंसी जो पेयर है ये वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक डॉलर को परचेज करने के लिए आपको सिक्सटी फाइव रुपीज पे करने पड़ेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो प्रोवाइड करवाती है फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू जो करेंसी है एक कंट्री की उसे आप एक्सचेंज करते हो दूसरी कंट्री की करेंसी से तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दो करेंसीज के बीच में यह डिटरमाइन होता है ऑन दी बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बोथ उंट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है कमर्शियल बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं फॉरन एक्सचेंज में विद ईच अदर इन दस मार्केट और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होते जो होलसेल फॉरक्स मार्केट है इसे इंटर बैंक मार्केट भी कहा जाता है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं होलसेल फॉरेक्स मार्केट में वो ट्रेडिंग खुद के अकाउंट से भी कर सकते हैं या ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर भी कर सकते हैं जो मल्टी नैशनल हैं है इंश्योरेंस कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड्स पेंशन फंड्स प्रोविडेंट फंड्स हेज फंड सेक्टर हैं वो भी ट्रेड करते हैं होलसेल मार्केट में तो जो ट्रेडिंग है होलसेल मार्केट अकाउंट्स में वो मोर देन हाफ ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन्स जो फॉरेक्स मार्केट में हो रही हैं वो होल सेल मार्केट में होती हैं जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं वो ओ, कर सकते हैं फॉरक ट्रांजेक्शन थ्रू रिटेल मार्केट जो इंडिविजुअल्स हैं टूरिस्ट हैं इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स हैं इंडिविजुअल इंपोर्टर्स हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कॉमन सिटीजन हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिटेल फॉरेक्स मार्केट में देन डेफिनेशन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अकॉर्डिंग टू लिप्सी एंड क्रिस्टल द फॉरन एक्सचेंज मार्केट्स आर दी मार्केट्स इन विच वन करेंसी कैन बी ट्रेडिड फॉर अनादर तो फॉरेक्स मार्केट क्या है वो सिस्टम जिसके थ्रू जो एक्सचेंज है डिफरेंट करेंसीज का वो होता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फर्स्ट इज जियोग्राफिकल डिस्पोशन जो फॉरेक्स मार्केट है वो ग्लोबल नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में लिमिटेड नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट होती है और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है कोई सेंट्रल मार्केट प्लेस नहीं है एक्सचेंज करने के लिए करेंसी को द नेक्स्ट इज योर ऑपरेशन जो फॉरेक्स मार्केट है वो ओपन ट्वेंटी फोर आवर्स रहती है एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स और कोई नीड नहीं है आपको मार्केट के ओपन या क्लोज होने के टाइम की वेट करने के करने की आप एज पर योर कन्वीनियंस आप उसमें डील कर सकते हैं और कोई टाइम बैरियर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं है जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें कोई रेगुलर मार्केट टाइमिंग्स नहीं होते हैं 24 फोर आवर्स ऑपरेट करती है मंडे टू फ्राइडे और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये स्प्रेड है जो पार्टिसिपेंट है फ्री है ऑपरेट करने के लिए इन मल्टीपल मार्केट्स देन नेक्स्ट इज ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम जो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट है उसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है और एवर ग्रोइंग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं देन नेक्स्ट इज योर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स मतलब कि जो पर्सन बाय और सेल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को वो कौन कौन हो सकते हैं इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टूरिस्ट स्पेकुलेटर्स गवर्नमेंट बॉडी एक्सेट्रा देन हाई लिक्विडिटी जो फॉरेस्ट मार्केट है वो ऑपरेट करती है ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद फाइनेंशियल सेंटर्स कैटर्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम है तो ये जो मार्केट है वो हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती है पार्टिसिपेंट्स को जो ट्रेडर है वो कभी भी बाय और सेल कर सकता है फॉरन करेंसी को विदिन अ फ्यू मिनट्स द नेक्स्ट इज मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज रेट है उसे इफेक्ट करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स हैं जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस मॉनेटरी कंडीशंस पॉलिटिकल कंडीशंस ट्रेड मूवमेंट्स बैंकिंग ऑपरेशंस स्पेकुलेटिव ऑपरेशंस कैपिटल फ्लोज गवर्नमेंट बजट एसेट्रा नेक्स्ट इज लो ट्रेडिंग कॉस्ट स्टॉक मार्केट में अगर आप डील करते हो तो वहाँ पे जो ट्रेडिंग कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में जो फॉरेक्स मार्केट में आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है जो ट्रेडिंग कॉस्ट है उसमें सिर्फ कमीशन ब्रोकरेज सेक्टर जैसी चीज़ें इंक्लूड होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और ये पॉसिबल है इवन स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी कि उन्हें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं फॉरन एक्सचेंज मार्केट से ड्यू टू लोअर कॉस्ट जो लॉसेज हैं वो भी कम होते हैं तो जो कॉस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग की वो सिर्फ कितनी होती है जब आप बाय और सेल का जो आपका प्राइस है किसी एक पर्टिकुलर करेंसी पेयर का सिर्फ उसके बीच में जो डिफरेंस है उतना ही आपका पॉसिबल लॉस हो सकता है उतनी ही जो कॉस्ट है आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग की हो सकती है देन नेक्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेक्स मार्केट सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेडिंग वो अवेलेबल होती है ऑनलाइन और ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से होती है क्योंकि जो ट्रेडर है वो फ्रीली एक्सेस कर सकता है मार्केट इंफॉर्मेशन को दे नेक्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर ड्यू टू फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो वैल्यू है करेंसी की वो चेंज होती रहती है कॉन्टीन्यूसली अगर एक करेंसी लूज करती है इट्स मॉनिट्री वैल्यू तो जो अदर करेंसी है वो गेन कर लेती है अपनी वैल्यू तो जो वैल्यू है एक करेंसी की वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है इन कंपेरिजन टू अदर करेंसी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स द नेक्स्ट इज वेरियस फॉरन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूज होते हैं जैसे स्पॉट ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड एक्सचेंज ऑप्शन फ्यूचर्स करेंसी स्वैप्स एक्सेट्रा नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो इफेक्टेड होता है बाय वेरियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जो ऑपरेट करते हैं एट ग्लोबल एंड नेशनल लेवल तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें ह्यूज अनसर्टेनिटी होती है कोई लिमिट नहीं है रिटर्न्स की फॉरेक्स ट्रेडिंग पे क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो ड्रास्टिकली चेंज होते हैं दे नेक्स्ट इज लिवरेज फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में सिर्फ एक स्मॉल मार्जिन आपको चाहिए होता है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मच हायर वैल्यू लिवरेज आपको एनेबल करती है कि जो पार्टिसिपेंट है वो हायर रिटर्न्स ऑन कर सकता है और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है फॉर एग्जाम्पल लिवरेज ऑफ हंड्रेड इज टू वन जो है ग्रांट करता है फॉरेक्स ब्रोकर तो ये अलाउ करता है एक ट्रेडर को कि वो बाय और सेल कर सकता है टेन थाउजेंड यूएस डॉलर वर्थ ऑफ करेंसी विथ जस्ट अ मार्जिन ऑफ यूएस हंड्रेड डॉलर ओनली नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच